हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्लीपी क्लासेस वी आर बैक विद द घटनाचक्र सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रीज से हैं मिनरल से हैं और थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं इंडियन ज्योग्राफी के तो चलिए जल्दी हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और अपने आंसर्स और आप, आपके जो स्कोर्स होंगे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इज फ्रॉम यूपीएससी प्री टू थाउजेंड एटीन एंड इट है करेक्ट कोड तो पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट ऑक्शन नॉन कोल माइंस सेकेंड स्टेटमेंट इज आंध्रा एंड झारखंड डू नॉट हैव कोल माइंस एंड थर्ड इज राजस्थान हैज आयरन और माइन्स तो इसमें से क्या है करेक्ट कोड वो आपको बताना है देखिए पहली अगर हम स्टेटमेंट देखें तो आ, ऐसा नहीं है क्योंकि जो 2015 वाला माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अप स्टेट्स ऑक्शन कर सकती हैं नॉन कोल माइंस को तो पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है नेक्स्ट इज आंध्रा एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस ऐसा नहीं है झारखंड में भी गोल्ड माइंस हैं और कुंदरकोचा कोचा सिंगम डिस्ट्रिक में एक माइंस हैं जहां पे आपको गोल्ड माइंस मिल सकती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस ये आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट है या नहीं और कहाँ पे राजस्थान में आपको आयरन ओर माइंस मिल सकती हैं तो यहाँ पे आपका राइट स्टेटमेंट हो जाती है ओनली थ्री सो दिस इज द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वी कैन एक्सपेक्टेड एज इट इज आस्ट तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है झारखंड में है ये चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेन जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में ये सवाल आपसे पूछा गया था ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़ झारखंड राजस्थान या फिर ओडिशा तो चार ये ऑप्शन हैं और आपको बताना है जिप्सम जो कि फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है तो कौन सी स्टेट ऐसी है विच इज़ मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जिप्सम सो राजस्थान इज द राइट आंसर हेयर राजस्थान इज द मेन जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया चलिए अगला क्वेश्चन तो ये इंडस्ट्रीज के ऊपर आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज अर्नस मैक्सिमम फॉरन एक्सचेंज यू पी पी सी एस दो हजार तीन का ये सवाल है देखिए जो भी बच्चे यूपी पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यू पी पी सी एस प्रिलम्स या मेन्स में से आपसे पूछे रीजन बींग हमें पता है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस यूपी बिहार साइड से जुड़ी हुई है और अभी हाल ही में दोनों के प्रिलिम्स आने वाले हैं अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक एज देना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं uh, अगर आप जी का कोर्स लेते हैं दैट इज़ जस्ट फॉर वन ट्रिपल नाइन और अगर आप सी सैट का कोर्स लेते हैं जी एस प्लस सी सैट तो वो फोर थाउजेंड का है दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी पी इसके साथ साथ मेंस की तैयारी के लिए हमारे पास शोशोलॉजी और पी दोनों के ही जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं तो जल्दी कीजिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हैं इन कोर्सेज को सॉरी तो चलिए कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज अर्नस मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज टी सिल्क गोल्ड आयरन एंड स्टील देखिए टी प्रोडक्शन में भी इंडिया का लेवल अच्छा है सिल्क में भी इंडिया की मलबरी सिल्क इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड में वी डोंट हैव दैट मच Uh, की हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें आयरन एंड स्टील भी है इस ऑप्शन में तो बताइए क्या है राइट आंसर तो द राइट आंसर इज आयरन एंड स्टील चलिए अगला सवाल देख लेते हैं वाटर स्कार बहुत बड़ा इशू हो गया है आजकल तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट कैन बी आस्ड इन एनी ऑफ योर एग्जाम बिकॉज इट हैज बीन आस्ड इन यूपीएससी 2013 एज वेल तो इंजीनियरिंग सेक्टर में पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में टेक्सटाइल्स में या फिर थर्मल पावर में सबसे ज्यादा पानी किस चीज़ में कंज्यूम होता है हमारे देश इंडिया में दो द राइट आंसर इज थर्मल पार ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं so ये जो ये क्वेश्चन है ये मध्य uh, प्रदेश के ऊपर बेस्ड है और एम पी पी सी एस इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर दैट इज वाई आई question. सी एस का भी कोर्स अवेलेबल है अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को uh, और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एम पी पी सी एस का कोर्स परचेज कर लीजिए विच इज ऑल्सो ऑन द वेबसाइट तो पूछा ये यूपी के किसी लोअर लेवल एग्जाम में पूछा गया था 2015 में लेकिन इट इज फ्रॉम एमपी तो दैट इट बिकम्स पीथमपुर इन दी मध्य प्रदेश फॉर जूट पेपर ऑटोमोबाइल्स या फिर स्टीम शिप्स तो क्या है इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं देखिए इसका राइट आंसर है ऑटोमोबाइल्स इसके अलावा देर इज वन मोर क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क हेयर पेस्टिसाइड सिटी है एमपी में तो कौन सा रीजन है जो कि बहुत मशहूर है पेस्टिसाइड्स के लिए मध्य प्रदेश में वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं सातवां क्वेश्चन यूपीआरओ 2013 का था यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है माइंस वो करेक्टली मैच नहीं है ठीक है तो आयरनोर कुद्रेमुख मैंगनीस कोरापुट कॉपर खेतरी माइन्स कोल सिंगरेनी माइन्स तो कुद्रेमुख कर्नाटका एंड देन मैंगनीस पूछा हुआ है कोरापुट में कॉपर खेतरी राजस्थान है कोल सिंगरेनी तो बताइए इसका कि कौन सा जो आपको ऑप्शन है वो गलत लग रहा है यहाँ पे देखिए जो कोरापुट है दैट इज इन ओडिशा ठीक है and which is the leading producer of manganese in india the hint is very close please comment in the comment section which is the uh, uh highest producing state of manganese in india तो so, यहाँ पे यही बनता है which, which of the following is not correctly matched तो मैंगनीज इन कोरापुट नहीं है क्योंकि ये ओडिशा में है आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए नेचुरल गैस की जो प्रोडक्शन होती है वो इंडिया में बहुत कम रिजोर्सेज हैं लेकिन अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखा जाए आंध्र प्रदेश कोस्ट गुजरात कोस्ट बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु कोस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन नेचुरल गैस की इंडिया में कहाँ से होती है ये आपसे पूछा गया है तो बताइए इसका क्या है करेक्ट आंसर दो राइट आंसर है बॉम्बे हाई अगला क्वेश्चन द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन प्री यूपीपीसीडीन नाउ वेयर इज पेट्रोकेमिकल यूज इन इंडिया दैट यू हैव टू टेल मी इन सेक्शन बिकॉज पेट्रोकेमिकल्स आर जस्ट लाइक द फ्यूल्स पेट्रोल और जैसे डीजल की फ्रैक्शनल uh, डिस्टिलेशन होती है उसी तरीके से ये पेट्रोकेमिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकी रिफाइनिंग होती है और इनकी काफी ज्यादा जो है कि हमें यूसेज जो है आ, मिलती है तो सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है पेट्रोकेमिकल्स का हिंदुस्तान में बताइए इट इज़ इन जामनगर चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जोग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई टैग्स जो कि इसलिए कि स्टार्ट किया गया था ताकि इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खास उनको एक रेकोगशन मिले तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास जीआई टैग्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और उसमें से आपने देखना है कि विच इज़ दी करेक्ट आंसर देखिए अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करें तो इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और उन सब को जैसे रसगुल्ला है देर इज कोलापुरी चप्पल एंड देन देर आर साड़ीज देन राइस वेराइटीज को भी जी आई मिला है बर्तन है पंजाब में एक जगह है वहाँ पे बर्तनों को भी जंडियाला नाम से पंजाब में एक जगह है वहाँ पे बर्तनों को भी जी आई टैग मिलता है फुलकारीज है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको जी आई मिले हैं ऑलमोस्ट टू हंड्रेड प्लस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिनको जी आई मिल चुका है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बनारसी जरी एंड सारी दे होल्ड इट और नॉट राजस्थान का दाल बाटी चूरमा या और तिरुपति लड्डू तीन ऑप्शन हैं ये आपको करेक्ट बताने है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है देखिए राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बहुत ही टेस्टी चीज है एंड आई जस्ट टेस्टड इट एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग बट उसको जी आई टैग नहीं मिला हुआ इसमें बनारसी जरी और सारीज़ है फिर तिरुपति लड्डू है ये दोनों ऑप्शन सही हैं और जी आई टैग्स जितने भी लेटेस्ट मिलते हैं वो न्यूज़ में कवर होते हैं आप उनको स्किप मत कीजिएगा ट्राई कीजिए कि आप उनको याद रखें जो नए नए ऐड होते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन्हीं से ही पूछी जाती है क्योंकि इतने सारे हैं सबको याद करना मुश्किल है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वन एंड थ्री ओनली सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर बींग विदर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस